स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो सम है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म पहले लिखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे 2 बड़ा है 3 से, फिर 3 बड़ा है 4 से और ये 5। ऐसे ही हम छोटे से शुरू करेंगे और उसकी बिगेस्ट टर्म तक जाएंगे, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया -3/5, -2/5, -1/5। तो इन तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो ये सबसे छोटी टर्म होगी -3/5, तो यहाँ ग्रेटर लेस देन -2/5, -1/5। तो -3 जो छोटा है -2 से, तो -2 छोटा है -1 से, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही था। सेकंड सम देखते हैं। तो सेकंड सम में पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, उसके लिए एलसीएम लेंगे 393 का। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो ये 3 के टेबल पे गया, तो एलसीएम कितना आया 3 का 9। अब इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1/3। तो जहां पे 3 लिखा है यहाँ पे डिनोमिनेटर को 9 में चेंज करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3/9। तो ऐसे ही -2/9 एज इट इज ही है, तो इसको लिख लेंगे -2/9। नेक्स्ट है -4/3, तो इसको भी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया -12/9। आप देखते हैं तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होगी -12/9, तो उससे बड़ी होगी -3/9, तो उससे बड़ी होगी -2/9। इस सम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे -12/9 किन सी कौन सी टर्म थी, -4/3 की, तो -4/3 सबसे छोटी टर्म आएगी, उससे बड़ी कौन सी आएगी, ये वाली फर्स्ट टर्म, तो ये आएगा -1/3, उसके नेक्स्ट आएगी -2/9। अब देखते हैं तो थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे 7/4 का, पहले 7 के टेबल पे, फिर इसको 2 के टेबल पे करेंगे, तो ये कितना आंसर आया 7/2 का 14, 14/2 का 28। अब डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं -3/7, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28 आएगा 4 से, तो ये आ गया -12/28। आगे -3/2, तो -3/2 डिनोमिनेटर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 आएगा, तो 28 आएगा 14 से, तो 14/3 का कितना होता है 42/28। आगे थर्ड है -3/4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28 आएगा 7 से, तो ये आ गया -21/28। तो आप इन तीनों में असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी होगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होगी -42/28, तो उससे बड़ी होगी -21/28, तो उससे बड़ी होगी -12/28। तो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो ये था -40/28, -3/2 वाली टर्म, तो यहाँ पे ये आ जाएगी, उससे बड़ी कौन सी टर्म आ रही है 21/28, ये 3 -3/4, तो यहाँ पे -3/4 वाली आ जाएगी, और उसके नेक्स्ट आ रही है -12/28, -3/7 वाली टर्म।